आराध्य के श्री चरणों में वंदन, मंगल भावना, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ लें। से संबंधों सां रे संबंधों सां संपन्नं सां गते संपन्नं सां शक्ति संपन्नं सां शांति संपन्नं सां नंदे संपन्नं सां तेज संपन्नं सां शुक्ल संपन्नं सां मैं आभा संपन्न बनूं, मैं लज्जा संपन्न बनूं, मैं बुद्धि संपन्न बनूं, मैं धैर्य संपन्न बनूं, मैं शक्ति संपन्न बनूं, मैं शांति संपन्न बनूं, मैं आनंद संपन्न बनूं, मैं तेज संपन्न बनूं, मैं पवित्रता संपन्न बनूं। मंगल भावना का प्रयोग संपन्न, ध्वनि प्रयोग। ओम की ध्वनि 5 बार, लंबा गहरा श्वास ले। महाप्राण ध्वनि, चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान पर केंद्रित करें, वहां पर होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करें, नाक से भौंरे की गुंजन की तरह लयबद्ध आवाज करें। 5 बार लंबा गहरा श्वास लें। Mm-hmm.
ओम अर्थम वार्म अप के लिए तैयार, दोनों हाथ जोड़ने, एक दो 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 रिलैक्स, लेफ्ट हाथ नीचे राइट हाथ ऊपर, एक दो तीन चार, 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 हाथ बदली लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, एक दो तीन चार, 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 रिलैक्स। सर्वाइकल के लिए लेफ्ट हाथ नीचे राइट ऊपर, हाथों के उंगलियों को इस ढंग से रोक करें, राइट साइड से लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएं, एक कोहनी गर्दन के पीछे जाए, दो सेंटर में पूरा खींचे, तीन लेफ्ट से क्रॉस करें, चार मूल स्थिति, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाथ बदले लेफ्ट साइड से, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, रिलैक्स। हाथों के अंगुलियों को आपस में रोक कर सांस भरते हुए पूरा तनाव ले देंगे, अब सांस छोड़ते राइट साइड डाउन, कोहनी गर्दन के पीछे जाए, सांस भरते हुए अब सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, अब राइट, अब लेफ्ट, अप राइट, अप लेफ्ट, अप, दोनों हाथ गर्दन के पीछे, एंटी प्रेशर, गर्दन को पीछे धक्का दे, हाथों को आगे, श्वास करें, छोड़े बड़े, छोड़े बड़े, छोड़े, राइट हैंड राइट गाल पर, एंटी प्रेशर, श्वास भरे,
छोड़े बड़े छोड़े बड़े छोड़े लेफ्ट हैंड लेफ्ट डाल श्वास बड़े छोड़े बड़े छोड़े बड़े छोड़े दोनों हाथ समान है हाथों को गोलाकार घुमाए आगे से पीछे कोने मिलाते हुए श्वास भरे छोड़े पुनः श्वास भरे पीछे से आगे की ओर छोड़े पूरा श्वास भरे श्वास छोड़ते हुए कोने मिला लें भरे छोड़े भरे छोड़े भरे छोड़े भरे छोड़े राइट हैंड की कोने को लेफ्ट हाथ से ऊपर की ओर धक्का दे छोड़े लेफ्ट की कोने को राइट हाथ से धक्का दे छोड़े कमर के लिए लेफ्ट राइट रिलैक्स। आज हम करेंगे योगिक क्रिया या सूक्ष्म प्राणायाम आराम से करना है आराम से बैठे ऐसी क्रियाएं जो शीर्ष से लगाकर पैर के अंगूठे तक की एक एक अवयव की क्रिया होगी ताकि आपका हर अवयव स्वस्थ रहे दोनों हाथ प्राणायाम के साथ साथ इसको करेंगे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा आंखें कोमलता से बंद प्राणायाम पूरक रेचक कुंभक की क्रिया पूरक का तात्पर्य पूरा श्वास भीतर भरना रेचक का तात्पर्य पूरा श्वास रेचन कर देना खाली कर देना और कुछ नहीं बोलो वहां कुंभक करें अर्थात श्वास को रोके हाई बीपी हार्ट के प्रॉब्लम वाले श्वास रोकने का अभ्यास न करें बाकी भी जिनको बेचैनी होती हो तुरंत श्वास छोड़े जबरदस्ती श्वास को न रोके पूरा रेचक पूरा रेचक पूरा रेचक पूरा रेचक पूरा रेचक पूरा रेचक यस नॉर्मल ब्रीदिंग कपाल बांधे श्वास को तेजी के साथ छोड़े प्रयत्न पूर्वक छोड़े जैसे ही श्वास छोड़े
नाभि पर चोट हो, पेट भीतर की ओर पिचके, श्वास लेने में कोई व्रत नहीं, स्वाभाविक रूप से श्वास ले, हाई बीपी हार्ट के प्रॉब्लम वाले अथवा पेट का कोई अभी अभी ऑपरेशन करवाया है तो सामान्य गति से करें, बाकी मध्यम गति से। थकान आ जाए, चक्कर आने लगे, पेट में खिंचाव होने लगे, तुरंत रुक जाए। और फिर यदि आप चाहें तो 5-7 सेकंड रुकने के बाद पुनः उसे प्रारंभ करें कपाल पर। मंद श्वास, धीमे धीमे श्वास ले, धीमे धीमे श्वास छोड़, मस्तिष्क में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव, झनझनाहट का अनुभव, हथेलियों में डर सकता आंखों में लगाए, भीतर आंखों को टिमटिमाए और धीरे धीरे खोले, मस्तिष्क की क्रिया, दोनों हाथों को फैला दे, मस्तिष्क के बाल को प्रचारित करें ताकि मस्तिष्क के न्यूरॉन सक्रिय हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 रिलैक्स। पुनः एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। दोनों भौहों में खिंचाव दे और ढीला छोड़े, ललाट के भाग पर सर गिराने की कोशिश, श्वास भरते हुए आप आईब्रो को ऊपर की ओर खींचे, सांस छोड़ते हुए डाउन 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 रिलैक्स। फोरहेड को मसाज दे, हंसी जो में गर्द करें, हथेली को पूरा गर्म करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस
रिलैक्स। आंखों के लिए गर्दन सीधी, केवल आंखों की पुतलियों को घुमा, लेफ्ट साइड देखें, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। आंखें बंद, सांस भरते हुए आप छत की ओर नजदीक देखें, सांस छोड़ते हुए डाउन फर्श की ओर नजदीक देखें, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। आंखें बंद, तिरछा देखें, क्रॉस में लेफ्ट साइड अप, आपका ये कोना ऊपर की ओर देखें, राइट साइड डाउन, ये कोना नीचे की ओर देखें, लेफ्ट अप राइट डाउन लेफ्ट अप राइट डाउन लेफ्ट अप राइट डाउन लेफ्ट अप राइट डाउन लेफ्ट अप राइट डाउन। आंखें बंद, विपरीत, राइट अप ये साइड कोना ऊपर की ओर देखे, लेफ्ट डाउन ये कोना नीचे की ओर देखे, राइट अप लेफ्ट डाउन राइट अप लेफ्ट डाउन राइट अप लेफ्ट डाउन राइट अप लेफ्ट डाउन राइट अप लेफ्ट डाउन। आंखें बंद, बंद आंखों को प्रेस करें, भीतर भीतर दबाएं, गीला छुए प्रेस करें, गीला छुए प्रेस करें, गीला छुए प्रेस करें, गीला छुए खोले बंद करें, प्रेस करें, गीला छुए खोले बंद करें, प्रेस करें, गीला छुए खोले। आयताकार रेक्टेंगल, लेफ्ट डाउन लेफ्ट साइड अप राइट साइड अप राइट साइड डाउन लेफ्ट डाउन लेफ्ट अप राइट अप राइट 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 डाउन। आंखें बंद, विपरीत, राइट डाउन राइट अप लेफ्ट अप लेफ्ट डाउन राइट डाउन राइट अप लेफ्ट अप लेफ्ट डाउन राइट डाउन
राइट आर्म, लेफ्ट अप, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, राइट अप, लेफ्ट अप, लेफ्ट डाउन, आगे बंद, क्लॉकवाइज, गोलाकार, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, जल्दी जल्दी गोला आगे बात, एंटी क्लॉकवाइज, राइट अप, लेफ्ट डाउन, 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 जल्दी जल्दी गोला ला आगे बंद, हथेलियों को गर्द, हथेलियों को दबाव देते हुए पूरा गर्म करें और हथेली गर्म होते ही संपुट का आकार बना के आंखों पे लगा दे, भीतर तक अंधेरा, अंधेरे में आंखों को टिमटिमाए, आंखों को उष्मा प्रदान करे, अनुभव करे, मेरी नेत्र ज्योति बढ़ रही है, नेत्र संबंधी सारे विकार दूर हो रहे हैं, आंखों को भीतर टिमटिमाए और धीरे धीरे खोले, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, पुनः शरीर तैयार, संकल्प को साथ में जोड़ें, जिस प्रकार का भी रोग विकार दोष शरीर के भीतर में हर झटके के साथ बाहर निकल रहा है, इसी प्रबल संकल्प के साथ पुनः अपनी सामर्थ्य अनुसार करें कपाल, मस्तिष्क में होने वाले कदम-कदम का अनुभव, झंझनाहट का अनुभव, भीतर खालीपन का भाव, निर्विचार भाव, विचार जैसे खो गए तिरंत हो गए, हथेली में गर्द,
आपको पिलाना है, पीकर आपको को जिमजिमा है और धीरे धीरे खोले। कल का दिन किसने देखा है, आज के दिन को खोए क्यों, जिन गलियों में हंस सकते हैं उन गलियों में रोए क्यों। भाषियों दोनों हाथों को फैलाते, सांस भरते हुए हाथों को इस ढंग से फोड़ करें और पूरा जोर से हंस पड़े। पुनः एक बार एक बार हो कानों को ऊपर की ओर खींचे, एक दो तीन चार पांच साइड में, एक दो तीन चार पांच नीचे, एक दो तीन चार पांच। दस दिन बोली भीतर नाखून बड़े हो तो ना कर, गोल गोल घुमा। उंगली पीछे बाकी के आगे ऐसा वी का आकार बना है और मसाज दे। उंगली से कान के पीछे के बार पर मसाज दे, पूरे कानों को एक साथ मसाज दे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। बस रिलैक्स, कानों को पंपिंग करें, बंद करें खोले, पूरा दबाएं और खोले। कस कर बंद कर लें और भीतर की आवाज सुने अंतरनाद। रिलैक्स, सर्दी जुखाम साइनस के लिए दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में लोक कर लें, नाक की क्रिया, दोनों अंगूठे दोनों भ्रुकुटियों के ऊपर यहां से दबाव देते हुए नीचे की ओर लाएं और नाक के भाग को कवर करें, फिर नीचे से दबाते हुए ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। नाक को प्रताड़ित करें, गालों के लिए जीवा को बाहर निकालें, गोल घुमाए, हवा को अंदर भरे और फिर गालों को फुला ले, हवा को अंदर घुमाए। नाक के द्वारा बाहर, पुनः गाल फुलाए और गालों को नीचे से ऊपर की ओर मसाज दे। मसाज कभी भी इस ढंग से ऊपर से नीचे की ओर नहीं देना चाहिए, अगर ऊपर से नीचे की ओर देंगे तो आपके गालों पर झुर्रियां गिर जाएगी और नीचे से ऊपर की ओर देंगे तो झुर्रियां गिरी हुई है वो भी वापस निकल जाएगी। अब आपके हाथों में आपको झुर्रियां गिराना है या झुर्रियां मिटाना है, ठीक है। अगली क्रिया जबड़ों के लिए, जबड़े की मांसपेशियों में खिंचाव देना है, दांतों को आपस में कसकर भेजें और यहां की मांसपेशियों को खींचे।
रिलैक्स। स्वरंत्र वोकल कोड के लिए तीन अंगुलियां मुंह में जाएं, उतना मुंह खोले, गर्दन को थोड़ा पीछे करें और आ की आवाज करें। लंबा गहरा श्वास भरें। रिलैक्स। पुनः एक बार पूरा सांस भरे। कमर गर्दन सीन भीड़ करते सीन लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा राइट की तर्जनी उंगली दोनों पृथ्वी के बीच राइट नोस्टल पर अंगूठा वाम भस्त्रिका लेफ्ट से ही श्वास लें लेफ्ट से ही छोड़े श्वास लेने पर भी जो श्वास छोड़ने पर भी जो आठ बार लंबी बार लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़े कारण करें बड़े धीरे धीरे राइट से छोड़े दक्षिण भस्त्रिका लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा राइट की तर्जनी दोनों को बुझे लेफ्ट नोस्टल पर मिरर करता राइट से ही सांस लें राइट से ही छोड़े आठ बार नवी बार में राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़े प्रारंभ करें भरे धीरे धीरे लेफ्ट से छोड़े रिलैक्स दोनों हाथ ज्ञान मध्यम भस्त्रिका दोनों नासापुटों से पूरा सांस भरे पूरा खाली करें आठ बार नब्बे बार में सांस भर कर रोके कुंभक करें हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले कुंभक न करें कार्य करें बड़े धीरे धीरे छोड़े अकेले में करता हूं आंखों पे लगा है भीतर आंखों को टीम के मार धीरे धीरे खोले मुस्कुरा जगत सारा मुस्कुराएगा मुंह खुला बैठो न कोई पास आएगा बिखेरो खुशियां हमेशा खुले हाथों से तुम्हारा हर वर्ताव नूतन रंग लाएगा पुनः हंसियो पर आपसे शिकायत है आप पूरा हंसते नहीं तो शिकायत के भाव में हम हंसेंगे हा
गर्दन दिख गया, धीरे धीरे लेफ्ट साइड टर्न गए और जितना पीछे देख सके देखिए कंधा नहीं मुड़े, सीधा राइट। सीधा लेफ्ट जिसके पैरों में दर्द होने लग गया हो, एक ही आसन में आप बैठे हो तो आसन को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। दर्द अप, पूरे तनाव सीधा, सर्वाइकल पेन वाले डाउन की क्रिया न करें, डाउन छुट्टी को कल टूट से दबा दे, सीधा अप, सीधा डाउन, सीधा अप, सीधा डाउन, सीधा रोक माय, धीरे धीरे गोलाकार, पहले लेफ्ट पीछे राइट और आगे, लेफ्ट पीछे राइट आगे, लेफ्ट पीछे राइट आगे, लेफ्ट पीछे राइट आगे, एंटी क्लॉकवाइज राइट पीछे लेफ्ट आगे, राइट पीछे लेफ्ट आगे, राइट पीछे लेफ्ट आगे, राइट पीछे लेफ्ट आगे और रिलैक्स। अब केवल लेफ्ट साइड, सीधा राइट, सीधा लेफ्ट, सीधा राइट, सीधा लेफ्ट, सीधा राइट, सीधा रिलैक्स। कंधों के लिए दोनों हाथ घुटनों पर, सांस भरते हुए कंधे उठाएं, सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे गोलाकार घुमाएं, आगे से पीछे कंधों को उठाते हुए, स्वस्थ होंगे एक ही कंधा बारी बारी, उल्टा रिलैक्स। पीठ के लिए राइट हैंड अप, लेफ्ट से लो करें और लेफ्ट साइड में पूरा खिंचाव, अप हाथ बंदी करें, राइट पूरा खींचे,
right, left, right, or left. सीने और फेफड़ों में सांस भरते, दोनों हाथ सीधे, सांस भरते हुए पूरा सीना खुला छोड़े, बड़े छोड़े, बड़े छोड़े, बड़े छोड़े, रिलैक्स। हाथों की मुद्रा इस ढंग से बना, जैसे क्रिकेट की बॉल पकड़ते हैं उतना बड़ा, सांस भरते हुए हाथों में जोर लगाते हुए हाथों को अपनी ओर खींचे और थ्रो की आवाज के साथ मुंह से श्वास, बड़े सांस खींचे, थ्रो, और हाथों को थोड़ा छोटा करें, बड़े सांस खींचे पूरा, थ्रो, और हाथ छोटा करें, खींचे, छो, रिलैक्स, मन श्वास, पेट के लिए कमर गर्दन से पेट के डिसे सूक्ष्म भस्त्रिका तेजी से श्वास प्रस्ताव, पेट का हलन चलन साथ साथ चले, पेट में खिंचाव आए तो तुरंत रुक जाए, मंद श्वास, पेट के लिए अग्निशार, श्वास को पूरा बाहर निकालकर बाहर रोक ले और पेट को भीतर बाहर हिलाए, हाई बीपी हार्ट के प्रॉब्लम वाले श्वास को मारो, पूरा श्वास बाहर, पेट को हिलाए, मंद श्वास, पेट के लिए उड्डयन, श्वास को पूरा बाहर निकालकर बाहर रोक ले और नाभि को जितना भीतर खींच सके खींचने की कोशिश करें, हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले श्वास को न रोके, ध्यान दें, पूरा श्वास बाहर, नाभि को भीतर खींचे, पूरी ताकत लगाकर अंदर खींचे, छोड़े, मंद श्वास, हते जब घट आपको पे लगाए, भीतर आपको कुटियम जिमाए और धीरे धीरे खोले, पत्थर पानी में न फेंको यारो, उसे कोई और भी पीता है, जिंदगी जियो तो मुस्कुरा के जियो, तुम्हें देख कोई और भी जीता है, पुनः हंसियो, पहले मैंने आपसे शिकायत की, आप बहुत अच्छा हंसे इसलिए प्रशंसा करता हूँ, और प्रशंसा के भाव में हाथों की क्रियाएं रह गई, दोनों हाथ एक बार सामने फैला दे, एक एक अंगुली अलग अलग, जल्दी जल्दी अगर आप क्रियाएं करते रहेंगे ये हाथों वाली, इसमें आपके गठिया वायु की प्रॉब्लम होने पे
ग्रसिया के जो भी रोग है वो दूर हो जाएंगे और होगी नहीं, क्योंकि ये रेगुलर आप करते रहे तो नहीं होगी। कसकर मुष्टि बंद कर, अंगूठा भीतर की ओर दबाए, बोले अंगुलियों में पूरा तनाव है, बंद करें, बोले बंद करें, खोले बंद करें, खोले बंद करें, खोले अकेले आ सामने की ओर पूरा धक्का दे, डाउन पूरा अंदर की ओर दबाए, आ डाउन 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 मुष्टि बंद, कलाई का भाव धीरे धीरे गोल गोल घुमाए, विपरीत उल्टा दोनों हाथ सीधे कोहनियों के लिए, अपने आप को शाबाशी दे, बोलो अच्छे अच्छे, आप बोलोगे सब बहुत अच्छे, अच्छे अच्छे बहुत अच्छे, अच्छे अच्छे बहुत अच्छे। मुष्टि बंद करें जल्दी जल्दी, सीरियस से हम चले थे मस्तिष्क की क्रिया की, फिर आंखों की, फिर कान की, फिर नाक की, फिर गालों की, फिर गर्दन की, फिर कंधों की, हाथों की और सीने और फेफड़ों की और पेट की। अब नंबर आता है कमर का, तो कमर की क्रिया, दोनों हाथ गर्दन के पीछे धीरे धीरे लेफ्ट साइड टर्न देते हुए लेफ्ट कोहनी को देते हुए सीधा, राइट सीधा, लेफ्ट सीधा, राइट सीधा, लेफ्ट सीधा, राइट सीधा, लेफ्ट सीधा, राइट सीधा। अब लेफ्ट कोहनी को लेफ्ट साइड में जमीन पर लगाएं, राइट कोहनी को ऊपर लें, राइट साइड लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट और रिलैक्स, लेफ्ट इन लेफ्ट साइड, राइट इन अप, सांस भरे, सांस छोड़ते हो लेफ्ट साइड में जुटे, लेफ्ट कोहनी पूरी जमीन पर लगा दे, डाउन लेफ्ट इन अप, सांस भरे, सांस छोड़ते हो राइट साइड डाउन, राइट कोहनी जमीन पर लगे, डाउन राइट अप, सांस भरे, सांस छोड़ते लेफ्ट डाउन लेफ्ट अप, सांस भरे, सांस छोड़ते राइट डाउन लेफ्ट हैंड मुष्टि बंद कर पीछे की ओर लगाएं, राइट हैंड अप, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट घुटने पर नाक का स्पर्श कराएं, डाउन लेफ्ट हैंड अप, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए राइट घुटने पर नाक का स्पर्श, डाउन राइट हैंड अप, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, डाउन लेफ्ट हैंड अप, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए राइट, डाउन दोनों हाथ पीछे पालथी लगा दे, दोनों घुटने जमीन पर लगाए, हर्निया की तकलीफ वाले से न करें और पीछे की ओर गर्दन को लटका दे, सीधा अप सीधा अप सीधा, जंगाओं के लिए
दोनों हाथ घुटनों पर, लेफ्ट राइट, बटरफ्लाई, पैरों को जितना नजदीक ले सके नजदीक ले, घुटनों को अप डाउन करते रहें और सुने। एक व्यक्ति कमाने के लिए दूर देश चला गया और बहुत दिन हो गए, वो अपनी पत्नी को, अपने प्रेयसी को पत्र लिखता रहता, लेकिन जब बहुत दिन हो गए, हर बार लिखता बस मैं आने वाला हूं, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, लिखता रहता, वादे करता रहता, पत्र भेजता रहता, लेकिन वो आया नहीं। प्रेयसी को लगा, लगता है अब मुझे ही जाना चाहिए, और एक दिन वह उस जगह पहुंच गई जहां वह रहता था। दरवाजा खुला हुआ था और वह अपना पत्र लिख रहा था, वह पत्र भी अपनी प्रेयसी को ही लिख रहा था, लेकिन उसकी नजरें ऊपर उठी नहीं। वह दोपहर में वहां पहुंच गई, लेकिन वह लगातार लिख रहा था, शेर शायरी लिख रहा था, गीत कविताएं लिख रहा था, और बार बार पत्नी को वादा कर रहा था, मैं क्षमा चाहता हूं मैं नहीं आ पाया, पर इस बार तो मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। और ऐसी ही बातें लिखते लिखते रात आधी रात हो गई, और जैसे ही नजर ऊपर उठाकर देखा तो ये प्रेयसी सामने खड़ी थी। वह चौंक गया, अरे ये कैसे हो सकता है, मैं भूत प्रेत तो नहीं हो गया, प्रेयसी यहाँ कैसे आ सकती है। उन्होंने कहा, आपकी नजर ऊपर उठे तो अपने काम से फुर्सत मिले तो ऐसा ही होता है। हमारे आसपास में उन चारों तरफ, कहीं कुरान में, कहीं बाइबल में, कहीं गीता में, हम शास्त्रों में उलझे ही रहते हैं, या आसपास मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में ढूंढते ही रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास एकदम पास आ गया है उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। अरे परमात्मा तो हमारे आसपास ही मौजूद है, और हम ढूंढते हैं बाहर पुस्तकों में, शास्त्रों में, मंदिरों में, मस्जिदों में। जरा अपने भीतर भी निहारो, अपने आप को देखो, परमात्मा तो तुम्हारे अपने भीतर है और तुम बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। प्रेक्षा ध्यान परमात्मा को, अर्थात अपनी आत्मा ही परमात्मा है, उसको हम परमात्मा के रूप में बनाए, उज्ज्वल करें, उसके भविष्य का निर्माण करें, ताकि एक न एक दिन वह आत्मा परमात्मा के रूप में बदल जाए और हम स्वयं परमात्मा हो जाए। करें अगली क्रिया। अब हम कुछ क्रियाएं खड़े होकर करेंगे, अपने स्थान पर खड़े होकर। दोनों हाथ कमर पर, एड़ी पंजों के लिए, एक बार एड़ियों पर, एक बार पंजों पर बैलेंस बनाकर। घुटनों के दोनों पैरों का थोड़ा फासला, दोनों हाथ से धीरे धीरे उसी की आकृति बनाए, डाउन की बनाए। अब दोनों घुटने लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप लेफ्ट, अप राइट, अप, दोनों पैर मिलाए, दोनों हाथ घुटनों पर, घुटनों को गोला मार घुमाए, उल्टा आज एक क्रिया बताने वाला हूं, 3 से 4 मिनट की क्रिया है, जिसमें आपके पूरे शरीर की नस नाड़ियां खुल जाएगी, कहीं पर भी अवरोध नहीं रहेगा, नस नाड़ियों का अवरोध ना हो, उसके लिए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाए, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को बताए,
हाथ सीधा, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड से रिलैक्स, लेफ्ट हैंड अप, बगल पर मारे, राइट हैंड अप, बगल पर, भी खाली होता तो बजता है और भरा डिब्बा आवाज नहीं करता। बटन पर मारे, दोनों पैरों में फासला, ऊपर से नीचे की ओर बाहर और नीचे से ऊपर की ओर भीतर, गालों को फुलाकर लगा दूसरे हाथ से छुट्टी, रिलैक्स, आराम से बैठ जाए। ये चार पांच मिनट की क्रिया आपके शरीर की नस नाड़ी खुलेगी, कहीं पर भी अवरोध पैदा नहीं होगा। नियमित रूप से अगर इसको कर लिया जाए तो आपका शरीर का रक्त संचार नियमित रूप से चलता रहेगा। किसी भी सुगल आसन का चुनाव करें, 10 मिनट का ध्यान करेंगे, आंखें मोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा अथवा निद्रा। तीन बार महाप्राण भरी, श्वास भरी, शाह पूरे शरीर को गीला छोड़, एकदम गीला छोड़, और गीला छोड़, कहीं कोई तनाव नहीं, अकड़न नहीं, दर्द नहीं, खिंचाव नहीं, रिलैक्स, रिलैक्स, पूरे रिलैक्स हो जाए। चित्त को नाक के द्वारों पर केंद्रित करें, आते जाते श्वास प्रश्वास का अनुभव करें, आते हुए श्वास को आता हुआ जाने, जाते हुए श्वास को जाता हुआ जाने, श्वास के प्रति पूरी सजगता बनी रहे, न श्वास लेने में प्रयत्न करें, न छोड़ने में प्रयत्न करें,
जैसा भी सांस आ रहा है जा रहा है केवल मात्र से जानना है, सहज श्वास प्रश्वास। श्वास छोटा है तो छोटा है, लंबा है तो लंबा है, गर्म है कि ठंडा है, छिछला है कि उथला है, लेफ्ट से आ रहा है कि राइट से आ रहा है कि दोनों से आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है केवल श्वास के बारे में ही जान। पूरी एकाग्रता, अगर मन इधर उधर भटकने लगे उसे भी स्वीकार करें कि मेरा मन भटक गया, और यही तो वर्तमान क्षण का सत्य है। जो कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा है, मन भटका जाने मन भटका, पुनः श्वास पर ले आए। कुछ समय के लिए मन को कहें कि जिंदगी भर तुम्हारा कहना हमने माना है, उस समय केवल मात्र 5-7 मिनट के लिए मेरे निर्देशन में चले, मन को अपने वश में रखें और श्वास पर उसको लगा दे। एक काम सौंप दे उसको कि वो श्वास को जानता रहे, जैसा भी श्वास आ रहा है जा रहा है केवल मात्र से जाने। केवल मात्र श्वास प्रश्वास को देखने से जानने से अपने ही जीवन में क्रांति घटित होगी। आप स्वयं उसका अनुभव करेंगे, जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन का दूर चलेगा और भीतर आत्म शांति का अनुभव होगा। श्वास एक ऐसा माध्यम है जो अपने को भीतर तक पहुंचाने में सहायक है। इसके माध्यम से ही हम आत्म साक्षात्कार की ओर प्रयाण करेंगे, प्रस्थान करेंगे।
हर आने वाला सांस एक जीवन के लिए और हर जाने वाला सांस छोटी मौत, क्या पता अगला सांस आए या ना आए। इसलिए हर सांस को हमें जानना है, प्रत्येक सांस का अवलोकन करना है। श्वास की गति कितनी मंद हो गई है उसका भी अनुभव करें। दो तीन लंबे गहरे श्वास ले, ओम अर्थम अति नमः का करते आंख पे लगा दें, आंखों की हल्की मालिश करें और प्रसन्नता के साथ अंजलि मुद्रा श्वास बढ़ते हुए ऊपर उठाए, श्वास छोड़ते हुए अर्पण करते, दोनों हाथ जोड़े, अपने आप को भावित करें, सभी उच्चारित करें, मैं ज्ञानमय हूं, मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत ज्ञान का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर गहरा रहा है, उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति, ओम अरहम 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 नमः। बस अपने भीतर पुनः एक बार हास्य को प्रस्तुत करें। ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज रोमन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। आज का दिन हम सब के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आनंददायक हो, शुभकामनाओं के साथ।